आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एंजल वन पे कॉमोडिटी कैसे बाय करी जाती है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, मैं काफ़ी समय से कॉमोडिटी मार्केट की वीडियोस बना रहा हूँ। और अगर आपको कॉमोडिटी मार्केट सीखना है, पूरा डिटेल में सारी चीज़ सीखनी है कॉमोडिटी मार्केट की, तो मैंने इस पर प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम आज सीखेंगे कि किसी भी कॉमोडिटी को एंजल वन में कैसे बाय किया जाता है। सबसे पहले अपने एंजल वन के अकाउंट में आप पैसे डालने हैं, आपको जितने डालने हैं, उसके बाद आप कॉमोडिटी सेलेक्ट करेंगे। कॉमोडिटी सेलेक्ट करेंगे मतलब आप पहले सोच लें कि आपको क्या खरीदना है। आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी कॉमोडिटी है, या क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, वो आप देख लें, ठीक है, अपने आप। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सर्च पे आएंगे और उदाहरण के तौर पे, एक सेकेंड, उदाहरण के तौर पे मुझे गोल्ड बाय करना है, तो मैं लिखूंगा गोल्ड। अब जो गोल्ड है, ये गोल्ड में 3 लॉट आते हैं, और सिल्वर में भी 3 आते हैं, नेचुरल गैस में 2 आते हैं, क्रूड ऑयल में 2 आते हैं। सब मैंने अपने चैनल पे बताया है, आप चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो खैर, जो भी है, गोल्ड में 3 लॉट आते हैं, एक गोल्ड का मेगा लॉट, एक गोल्ड का मिनी लॉट, एक गोल्ड का गिनी और गोल्ड का पेटा, सॉरी 4 आते हैं। हाँ, तो 4 लॉट आते हैं, तो इसमें से मुझे कौन सा बाय करना है पहले मैं डिसाइड करूंगा। अगर मैं गोल्ड बाय करना है सिर्फ गोल्ड लिखूंगा, गोल्ड मिनी बाय करना है तो गोल्ड एम टाइप करूंगा मैं, तो गोल्ड मिनी का आ जाएगा। गोल्ड गिनी बाय करना है तो मैं गोल्ड GU टाइप करूंगा, तो ये गिनी आ जाएगा। और गोल्ड पेटल बाय करना है तो मैं डालूंगा गोल्ड पेटल, ठीक है। इसके अलावा मुझे कौन सा जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर के, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है मुझे। उदाहरण के तौर पर मुझे अक्टूबर का करना है, या शॉर्ट करना है, या बाय करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिसमें बाय करूँगा। अब मुझे 1 लॉट बाय करनी है, आपको दिखाने के लिए एक लॉट बाय कर लेता हूँ, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एंटर्ड है, अपने हिसाब से चुनेंगे। अगर आपको आगे बढ़ाना है सौदा, मतलब एक्सपायरी तक जैसे रख सकें आप, तो आप कैरी फॉरवर्ड चुनेंगे। लेकिन आपको अगर सेम डे निकालना है तो आप इंटर डे चुनेंगे, ठीक है। इसकी टाइमिंग जो होती है कमोडिटी मार्केट की, वो 9 से 11:30 होती है। अब जैसे मैंने 1 लॉट टाइप कर लिया, आप भी देखेंगे आपको कितनी लॉट्स खरीदनी है, चार्जेस बताए हुए हैं, फिर मैं दबा दूंगा। या तो लिमिट ऑर्डर डालेंगे, मतलब आपको कितने पे चाहिए, या फिर आप डालेंगे मार्केट ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं तो करंट रेट पे खरीद जाए, अगर आप चाहते हैं तो आप डालेंगे मार्केट ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद फिर आप दबा देंगे प्लेस बाय ऑर्डर, या देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है एक्सिक्यूट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो कॉमोडिटी मार्केट का ऑर्डर था ये एग्जीक्यूट हो गया। आप देखिए, 1 लॉट मैंने बाय कर ली है, और यहाँ पोजीशंस पे आइए, और ये देखिए यहाँ पे आपका कैरी फॉरवर्ड ट्रेड चल रहा है, पोजीशंस पे आएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री में जो आपने बाय किया है ये एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद आप पोजीशंस पे आएंगे, तो ऐसे आपके यहाँ प्रॉफिट ऑर्डर जितना होगा आपको दिखेगा, प्रॉफिट ऑर्डर जो भी है, ये पोजीशन चल रही है। बस पोजीशन को एग्जिट कैसे करेंगे, इसको एग्जिट करना बड़ा आसान है, जो भी आपकी पोजीशन चल रही होगी। अब यहाँ आएंगे, यहाँ बाय मोड का ऑप्शन है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, और यहाँ पे है एग्जिट का ऑप्शन, तो मैं दबा देता हूँ एग्जिट, ठीक है। लॉट जो आपने की थी वही होगी आपकी, जितनी ली थी, मार्केट या लिमिट अपने हिसाब से चुनेंगे और दबा देंगे एग्जिट। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ 4 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है मुझे, चार्जेस अलग से लगेंगे, वो लॉस अलग, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में देखिए आप, ये जो है ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया है। पहले मैंने बाय किया इतने पे, इतने पे सेल किया मैंने, और ये पोजीशंस जो थी वो क्लोज हो चुकी हैं। तो ऐसे बाय करते हैं कॉमोडिटी, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।